इन दोनों में लड़ाई हो रही है पीछे बैठने के लिए। ओ भाई हाँ भाइयों, गाड़ी में सामान वामान पैक करो। ये बोतल यहाँ पे को रखी हुई है, बताओ पहले मेरे को तुम लोग क्यों पीने के लिए भाई गाड़ी में लगाओ, सामान लगाना है भैया हमें तो। चलो साहब, टाइम हो चुका है, आज 5 तारीख है और टाइम हो चुका है साहब 4:30 बज चुके हैं और अभी तो हम निकले नहीं है यहाँ से। अभी गाड़ी में सामान भी पैक नहीं किया है, वो सामान उसमें अभी तक उसमें रखा हुआ उस वाली गाड़ी के अंदर, तो निकाल लो भाई उस गाड़ी को, चाबी लेकर के सामान निकालो। तो भाई साहब सामान अपना गाड़ी में हो गया है पैक और पूरी गाड़ी पीछे से हमारी हो गई है फुल। अभी इस समय टोटल डिग्गी इसकी फुल हो गई है। एक्सयूवी की भले ही बूट स्पेस थोड़ा कम है गाड़ी के अंदर, लेकिन प्रॉपर सामान हमने सेट कर लिया और पानी की बड़ी बोतल ले ली है जो कि हमारी यहाँ पर सेट कर ली है। लैपटॉप बाकी का अपना और एक बैग यहाँ पर है, तो टोटल सेट है। एक जने बैठने का, सोने का आराम से इंतजाम भी अपना है, तो कोई दिक्कत नहीं आई है सफर में। तो भाई निकलने का टाइम हमारा हो चुका है, टाइम भी हमारा कुछ 5:15 रह गए हैं 5 बजने में। चलो भाई छोटू गाड़ी बाहर निकालो। तो भाई गाड़ी कौन चला रहा है पहले ये बताओ, इसको मैं करा देता हूँ। गाड़ी पहले कौन चलाएगा भाई? देख उसे देख, उसे देख, पहले से देख, पहले से देख, आराम से उसने अपना पूरा इंतजाम किया होगा भाई। यहाँ पे पिलो डाला हुआ है, चदरा, अपना आराम से लेट के जाएगा बंदा। छोटू पहले ड्राइव करेगा, हमारा फर्स्ट राउंड छोटू का है, उसके बाद फिर नरेंद्र चलाएगा और नाइट में मैं चलाता हूँ, ठीक है? जहाँ तक गाड़ी चल सकेगी जिस पे वहाँ तो चलाएगा। और अगर रात में ये लगेगा कि यार कहीं रुकना चाहिए हमें, काफी काफी लेट हो गया है, फिर कहीं रुक भी जाएंगे आराम से। वाह भाई वाह, ड्राइवर हो, चाबी ली है गाड़ी की और गाड़ी में जाके बैठ गए पहले से ही। ये देखो चाबी बाहर है और घर में रखी हुई है अभी तक। भाई साहब गाड़ी चाबी चलती है वैसे नहीं चलती है, अल्टीमेट पहले दे दी है, निकालो। तो भैया सफर हमारा चालू हो गया। छोटू सबसे पहले काम करो, इसको पहले ट्रिप को पहले गाड़ी साइड में लगाओ, ट्रिप को पहले जीरो कर दो पूरा। तो भाई ट्रिप हमने कर दिया जीरो, सारे यहाँ से अपने घर से निकलते में ट्रिप ए जीरो, ट्रिप बी जीरो और एवरेज का भी जीरो हो गया। चलो भाई छोटू निकलो। और निकलने का टाइम हमारा हो गया है 4:55 के समथिंग निकले हम। अभी गाड़ी में हमें फ्यूल भी लेना है, तो बोलो भाई गिरिराज महाराज की जय। तो हम कहाँ पर जा रहे हैं इसको फाइनली बताता हूँ मैं, हम जा रहे हैं मनाली में। तो मनाली का टेम्परेचर भी इस वक्त काफी अच्छा खासा हो रहा है, माइनस में हो रहा है। वो हॉर्न पहले दे दिया कर, तो गाड़ी में कुछ मत करा कर दो। यह मनाली का जो यहाँ से किलोमीटर है वो कुछ 775 किलोमीटर है और जिसमें हमें कुछ 15 घंटे इसका टाइम दिखा रहा है पूरे, यानी कि हम कल 8 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन क्या है ना कि अपन लोग बीच में थोड़ा के भी जाएंगे तो अपन को 15 घंटे दिखा रहा है, तो 2 घंटे आप एक्स्ट्रा ले लो। लंबा सफर है भाई, पहाड़ों का सफर भी है, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा पकड़ो, 17 घंटे हमें लगभग बड़े आराम से लग जाएंगे। सुबह 8 बजे का टाइम दिखा रहा है तो हम 10 बजे तक 11 बजे तक बीपी आराम से पहुँच जाएंगे, है ना? तो कोई इशू नहीं, आराम से चलते हैं, इंजॉय करते चलेंगे। सारा सामान है गाड़ी का, खाना पीना सारी चीजें बनाने का आइटम भी लेकर के आए, गैस भी लेकर के आए इस बार, तो फुल इंजॉय करने वाले हैं। 3 लोग हम, छोटू भी है और नरेंद्र, ये मेरा छोटा भाई है। हमारे भाई साहब ने पूरा बेड बनाया हुआ अपना, आराम से लेट के जाने का। इनको ना यहाँ पे नींद आ रही है, इसको देख देख के इस बंदे को नींद आ रही है। आलसी भगत है हम तो भाई, पीछे क्यों बैठ गया है? मुझे बैठा, मैं बैठूंगा। गाड़ी चला ना छोटू, तू गाड़ी रोक, इसको देख देख के नींद आ रही है मुझे। इधर रुक जा, पहले तुम रेस्ट कर लो, फिर मैं रोक रहा हूं। मुझे बड़ा सही प्लानिंग पता लगी, तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? मैं समझ गया, मैं पहले जा रहा हूं। सबसे बड़ी गलती है मैं यहां बैठना, इस समय गलती क्या है मेरी यहां बैठना? गलती है सोने के टाइम पे तो मुझे ड्राइविंग सीट पे डालोगे करू, समझे? अभी तो मैं बैठी बैठे जाऊंगा। बेटा ऐसा भाई मेरी बात सुनो, तुम दिमाग लगा रहे हो अपना अपना, मैं भी तो बैठा हूँ तीसरा इंसान। तुम लोग गाड़ी चला दो, मैं लेट हूँ पीछे। फिर भैया 89.50 कितना आता है डीजल डलवा रहा है गाड़ी के अंदर? 3000 रुपए का तेल आया लगभग लगभग 33.5 लीटर, ठीक है भाई, फुल हो गई गाड़ी हमारी। चलो तो भैया अभी हम आ गए यमुना एक्सप्रेस वे पे, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस वे मैंने अभी तक देखा है। निकलने की देर नहीं हुई थी तो सोने की पड़ गई, ये पहले ही सो गया। कितना टाइम हुआ निकले हुए? अभी से आधा घंटा हुआ है, बड़ी बंदा सो गया। भैया अपने ट्रिप का पहला टोल। भाई साहब हमें सिर्फ अभी 1 घंटा हुआ है निकले हुए घर से और पूरा अंधेरा हो गया है। सर्दियों में यार काफी
दिन छोटे हो जाते हैं और क्या है काफी ना फिर जल्दी अंधेरा हो जाता है। अपने पास सारा सामान है चाय वगैरह का, अगर लगेगा कहीं पर तो कहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी नहीं करने वाले, बाद में आगे चल करके भी निकालते हैं अपनी गैस वगैरह और बनाते हैं कुछ चाय वगैरह बढ़िया तरीके से। क्या भाई छोटू हमारा हमारा कुकर देखो भाई मेरे को बनाना आता नहीं है, इन दोनों को बनाना आता है, एक इसको और एक इसको, तो ये दोनों ही बनाने वाले, मैं तो सिर्फ खाऊंगा भाई चाय पीऊंगा बस, में बाकी और कुछ नहीं होने वाला मेरे, खाली हम टेस्ट करेंगे सही बनाएंगे नहीं उसके बाद। हां हां मैं टेस्ट करूंगा भाई उसको क्या कैसा बना है। छोटू एक काम कर भाई, सेकंड टोल हमने अभी पार किया यहाँ पर और अभी यहाँ पे आया, वॉशरूम कर लेते हैं यहाँ पर, और कुछ भाई साहब भूख भी लगना स्टार्ट हो गया निकलते ही, तो कुछ नमकीन और निकाल लेते पीछे भाई, जो खाने पीने आइटम है ना पूरा पैक कर दिया अपनी डिग्गी के अंदर, तो उसको निकालते हैं पहले, उसको आराम से नमकीन खाते हुए चलेंगे यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ पर रुके हैं, तो वॉशरूम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पहले, चलो भाई गाड़ी लॉक कर दियो। क्या लग रही है यार अपनी गाड़ी है गज्जा बॉस, अभी तो बड़ी साफ सुथरी गाड़ी है, अभी मालूम पड़ेगा पहुंच कर क्या हाल होता है इसका, एक कपड़ा नहीं लगेगा गाड़ी के ऊपर, लेकिन ट्राई करेंगे गाड़ी साफ रखें अपनी यार। अब लाना है अब नमकीन निकाल ली है भाई, निकलने की देर नहीं हुई है, नमकीन निकालनी है, वो आ गया था छोटा, छोटू बेटा नमकीन निकाल ले, निकाल लो भाई सामान पूरा पैक्ड है, पूरा खुलना पड़ेगा तुम्हें, अबे खोजबीन शुरू करो भाई, यही है ना ये, हाँ यही वाला है, इसमें नमकीन नहीं, नमकीन नीचे वाले मैं इसके निकाल यार, ये ले यार ये पनीर वाली बच गई है, हाँ अबे और भी है, मम्मी रखी नहीं है क्या, चलो भैया निकलते हैं यहाँ से, एक कुछ फोटोग्राफी करी है यहाँ पे हमने, तो उसका थोड़ा टाइम ले लिया, 10 मिनट और लिए बस, हमें 6:30 बजने आ गए यहाँ पे, खोल ले भाई खोल ले नमकीन खोल ले, भूख लग रही है तो यार कुछ नहीं, बढ़िया नमकीन है मम्मी ने रख दी ऊपर वहाँ पे, कौन सी और भी का यूज़ करना की बढ़िया ला भाई दे बाहर काफी ठंडा हो गया, बाहर थे अभी अपन लोग तो काफी ठंडा है बाहर इस समय, गाड़ी में अच्छा लग रहा है भाई। सीन अभी कुछ ऐसा है यार कि हमारे गूगल मैप ने हमें यमुना एक्सप्रेस उतार दिया है, जो रास्ता हमें पता थी उससे अलग रास्ते लेकर के जा रहा है, नई रास्ता है ये, अब पता नहीं इस पे थोड़ा बिलीव भी मेरा थोड़ा कम है गूगल मैप पर, क्योंकि कई बार ही गड़बड़ करता है, कई बार गड़बड़ करा है इसने, इधर लेफ्ट ले लो पहले, और भाई रोड देखो यार इसने फिर ये फिर मरवा दिया, छोड़ो एक काम कर वापस ले गाड़ी, वापस ले भाई, इससे भाई रोड देख रहा है तो क्या रोड है ये, अबे हद है यार ऐसे, यार गूगल अब करता क्या यार, ये रोड है देखो बता तो रहा है, वो कह रहा है ना, चलो बापू चलो यार, जो रोड है रात में मतलब गांव की रोड है यार, चली यार ये शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा मरवाता है, और भाई हम रिस्क नहीं ले रहे हैं इस चीज का, एक सेकंड यार ये हमेशा इस तरह सीन करवाता है, आज फिर इसका वही हो गया, एक घंटा के चक्कर वो यार अकेले इतने रात में, तो यार अकेले तो और दिक्कत हो जाए, रात कितने में टाइम हो गया 7:30 बज गया हमें, तो भाई साहब वापस अपने यमुना एक्सप्रेस पे आ गए हम, वहां से नीचे से कहीं लेकर के जा रहा था मैं, दिखाई नहीं दे रहा है अभी, तो अभी वापस आ गए अपनी जो जो सीधा रोड है भाई उसी से जाएंगे हम, अभी कोई नया रोड नहीं रात के टाइम में, जो पुराना है भले ही कुछ किलोमीटर ज्यादा है कोई इशू नहीं है, टाइम ज्यादा लग रहा है कोई इशू नहीं है, बहुत टाइम है पास, क्या भाई बहुत टाइम है तो कोई इशू नहीं है, भूल चुक माफ ऐसी बात माननी नहीं है, जो रास्ता देखिए जो रोड देखिए उसी से जाएंगे हम यार, ना भूख लगना स्टार्ट हो गई है, तो भी नमकीन के पैकेट रखे हुए थे वो खोल लिए, वो खाते हुए जा रहे हैं, और कहीं पर खाने गए, गाड़ी रोकते हैं कुछ खाते हैं, अभी कुछ खाया जाए क्या, खाना पिया, खाना घर से पैक करा के लाए थे, तो घर का खाना खाएंगे अभी, तो जितना हो सकता है इतना मैक्सिमम घर का खाना खाना है हमें, सोलो पे तो टर्न आने वाला है, 12 बजे से पहले नहीं आऊंगा, 12 बजे का मुझे चलाना अच्छा लगता है भाई, मैं नहीं चलाऊंगा बिल्कुल भी, मैं यहाँ पे बैठ के आराम से जाना है। हाँ भाई चोई साहब तुमने बहुत आराम कर लिया है, तुमने बहुत आराम कर लिया है सर, अब तुम्हारा नंबर आएगा गाड़ी चलाने का, 1 बजे के बाद ये बंदा गाड़ी चलाएगा अबे हद कर रहा है, ये बिल्कुल गाड़ी चलाएगा, सोएगा ये पता है, मैं डिसाइड करता हूँ क्या करना है मुझे, बिल्कुल सो जाएगा
और भाई साहब अभी हम पहुंच गए ग्रेटर नोएडा, अभी आगे आने वाला है परी चौक, और वहां से अभी भी हमें दिखा रहा है कुछ 600 किलोमीटर अभी भी है, तो अभी हमें बड़े आराम से 12-13 घंटे भी लगेंगे। हमने भी नॉन स्टॉप जा रहे हैं, बीच में एक बस बीच में एक हमने ब्रेक लिया था वॉशरूम का, बाकी तो अभी नॉन स्टॉप ही चलते जा रहे हैं। अभी लाइट कम थी, अब क्या भूख लग रही है यार छोटू, कोई बढ़िया अभी हाईवे आने वाला है या फिर कुछ अच्छी जगह दिखे और गाड़ी लगाओ और फिर खाना पीना खाते हैं यार, है ना, क्योंकि एक टाइम भी हो चुका है खाना खाने का, टाइम भी हो गया यार। मैं तो 6:30 बजे और 7 बजे के आसपास खाना खा भी लेता हूँ, तो 7:30 बज गया है, 7 से ऊपर निकल गया मेरा तो पेट में। अब तो खाना खाना बनता ही नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं बनता? टाइम हो गया। अरे बिल्कुल खाना खाऊंगा मैं यार, क्यों नहीं खाऊंगा, टाइम हो गया। नहीं 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 खाना खाऊंगा मैं। वाह यार क्या बढ़िया बना दिया चौराहा, ये परी चौक आ गया और क्या है इसमें जो फाउंटेन लगा दी बढ़िया, वो भी देख बीच में, अरे वाह बेहतरीन यार बेहतरीन। भागो जैसे भाग लो और तेज भागो, हमें सुन आगे से कटे ये बंदे अलग कटे आगे से कटे। और जो रूट हमने लिया है ना मनाली जाने के लिए वो है आगरा से ग्रेटर नोएडा, देन पेरीपल एक्सप्रेस चढ़ेंगे यहाँ से, उसके बाद पानीपत अम्बाला चंडीगढ़ और उसके बाद अपना हिमाचल आ जाएगा, और हिमाचल आते आते हमें दिन हो जाएगा पहाड़ आते आते, तो फिर मॉर्निंग में ही अपन जो है पहाड़ों की जो है चढ़ाई करेंगे, मस्त इंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी थोड़ी चाय लाने का सीन अपना पर हम नोएडा पर रुके हुए हैं ग्रेटर नोएडा पर, तो यहाँ पर ना एक ये अंडे की शॉप थी थोक विक्रेता, तो यहाँ से यार कुछ एक क्रेट ले लेते हैं अंडे की पूरी, ताकि हमारे पूरे आराम से पूरी ट्रिप में काम आएगा वो भी, तो कहाँ वहां पर ढूंढते रहेंगे फालतू में यार, यहीं से ले लेते हैं। मिले जगह तो बहुत है अपने पास, रखने के कोई इशू है नहीं है, तो लेते चलो सामान को। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है अभी, और यहाँ से भी अंडे की क्रेट ले रहे हैं पूरी एक। क्या हुआ, हो गया? लो फटाफट लो ऐसा, अपना सामान तो हमने ले लिया है, पैक कर दिया। क्या हुआ, सेट नहीं हो रहा यार, रखने की थोड़ी दिक्कत है इसकी, यहाँ पर रख नहीं पा रहे इसको, सेटिंग नहीं बैठ रही है उसकी रखने की। क्या हुआ, कैसे रखे यहाँ पे? यहाँ पे सेटिंग बना रहे हैं इसकी, सीट के नीचे डाल देते हैं इसको यहाँ पर। तो एक काम करो, पूरा सामान यहाँ से हमें उठाना पड़ेगा पहले तो यार, रखने की सेटिंग बना रहे हैं पहले इसको। तो भाई क्रेट को रख दिया हमें, सीट के नीचे आ गई आराम से, तो अब सेटलमेंट तो हो गया उसका, अब निकल रहे हैं यहाँ से ग्रेटर नोएडा से। और भाई साहब अभी हम आ गए पेरीपल एक्सप्रेस वे पे, अब बढ़िया है ये वाला हाईवे, बहुत बढ़िया है ये, वही वाला है अभी रोड करके आया था, 120 की स्पीड है, पता है 120 की स्पीड है, लेकिन तो अब हम तो आराम चलेंगे, बिस्कुट दे भाई, अब खाएंगे पेरी पेरी, अब खाएंगे पेरी पेरी पेरी। भाई क्या हो गया, एक ही बिस्कुट है उसमें, लेट एक कुछ भी ले घूम रहा है, वही तो खत्म कर दिया ना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझको तो अरसा हो गया, अरे कोई तो जाओ अब गाना आती नहीं, को बुलाओ कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मैं खाना खिलाओ यार, तुम खाना खिलाओ यार, मैं सो रहा हूँ फिर नहीं तो पहाड़। काफी काफी टाइम हो गया हमें, अभी क्या है लोग, एक मिनट अभी काफी टाइम हो गया हमें, लोकेशन यहाँ पे हमें मिल नहीं रही है, हाईवे है तो हम गाड़ी कहीं पे रोक भी नहीं पा रहे हैं, खाना खाना है हमें, खाना रखा हुआ है हमारा, तो अभी हमें क्या है 9 बजने आ गया हमारा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी कोई ऐसी लोकेशन मिली नहीं है यहाँ पे रोके हैं और खाना खा सके, क्योंकि क्या है सुनसान रोड पे क्या ही गाड़ी रोके, ठीक भी नहीं रोकना एक्चुअली, तो अभी वेट करें थोड़ा सा भी छोटू आगे और देखते हैं अगर और कोई अच्छी जगह मिलती है, कुछ ट्रक वगैरह खड़े हो, लाइटिंग वहाँ पे हो रही है टोल टैक्स के आसपास, वहाँ पे गाड़ी रोकेंगे और वहीं पर ही खाना खाएंगे। वैसे कहीं पे हाँ टोल, अभी इस पे क्या है पेरीपल एक्सप्रेस पे हमें जो है 80 किलोमीटर चल के आना था अभी, तो अभी 9 किलोमीटर रह गया, उसके बाद हमें फिर एग्जिट लेना है हाईवे से, फिर हम आ जाएंगे राई की तरफ, वहाँ से पानीपत की रोड पर चल जाएंगे हम, तो देखते हैं अच्छी लोकेशन मिलती है खाना पीना खाते हैं, कुछ चाय वगैरह बनाएगा क्या, देखते हैं कुछ चाय अगर लगता है तो चाय वगैरह बना लेंगे। लोकेशन के अनुसार, लोकेशन अच्छी मिली, रात का टाइम है यार कहीं पे रुक सकते नहीं है, फालतू ठीक भी नहीं है, तो देखते हैं अभी आगे। एक्चुअली मैं वाइड एंगल कैमरा यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना उसमें ग्रेन्स आते हैं, नाइट का टाइम है इसलिए मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा हमारा छोटू का कट जाता है वीडियो में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि कैमरे का थोड़ा सा ग्रेन्स का दिक्कत आएगी, काफी ज्यादा ग्रेन्स आएंगे वाइड एंगल कट जाता हूँ, पर मैं हूँ साथ में। हाँ पर
है लेकिन तो भाई यहाँ पे टोल आ गया है अभी और यहाँ पे ट्रक्स वाला भी खड़े हुए हैं। अब अच्छी लोकेशन है, सेफ लोकेशन भी है, तो यहीं पर लगाते हैं। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम है, यहाँ पे है ना टोल पे लगाते हैं। टोल बिल्कुल आगे ले चलो, उस ट्रक के आगे लगाना गाड़ी को ताकि बड़े आराम से यहाँ पे खाना पीना खा ले। क्रॉस कर ले, उसका लाइटिंग अच्छी है, उस साइड में लाइटिंग अच्छी है, यहाँ पे नहीं। तो थोड़ा सा अब खाना खोलते हैं, यहाँ पे टाइम मिल गया भाई साहब, लोकेशन मिल गई है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं। थोड़ा लाइट बंद कर, इसकी हजार डाट चल रही है इसकी। चलो भाई खाना निकालो, बनाओ यहाँ पे, यहीं पे खाते भारी। एक मिनट आ रहा हूँ मैं, इसकी लाइट बंद नहीं होगी, इसमें वे करनी पड़ेगी लाइट बंद। तो भाई जब बंद होगा तो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई यहाँ पे खाना खाते हैं। टोल था यहाँ पर, इस टोल के पास में ट्रक वाले ट्रक भी यहाँ पे खड़ी हुई, काफी सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे सेफ भी है यहाँ पे। तो भाई साहब गाड़ी के बाहर ही खाना खा रहे हैं, यहाँ पे खाना खोलते हैं, यहीं पे खाएंगे खाना। यार इसमें काफी ठंडा मौसम भी हो गया है यार, बहुत ठंडा हो गया है, ठंडे काफी है छोटू भाई। लेकिन खाना यहीं पे खाएंगे मजे तरीके से, अपना चम्मच नहीं है, सब्जी की है भैया, कुछ इम्प्रूवमेंट देगा ही नहीं। आलू के दो तो बोरे रखे हमारे घर, आलू आलू बनता है। कहीं जा रहे दिल्ली जा रहे, और जब मुझे मालूम, मुझे खुद मालूम पड़ जाता है कि आलू मिलेंगे डिब्बे में, कुछ नहीं होगा। और अचार हो रहा कोई को हाँ भैया, खाना पीना खा ले अपना। यार गाड़ियों में मजा नहीं आता, तो बाहर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए खाना खाते हैं यहाँ पे। अचार और होगा जरूर होगा यार, अचार कहीं देखो सारी कानून उस मंदिर थैली में है क्या, कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो खाना खा ले, अभी मिलते हैं भाई। जो भी डस्टबिन सामान है ना, उस सब इसमें डालो और गाड़ी में डालो, और जब डस्टबिन आएगा, डस्टबिन वहाँ पर डस्टबिन होगा यार, उस वाले यहाँ पे रखा है डस्टबिन, और डस्टबिन डाल के पूरा चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं कर रही है। खाना पीना सेट, आपको दिक्कत ऐसा। गाड़ी कौन चलाने वाला है? छोटू। छोटू गाड़ी लड़का बहुत बढ़िया चला रहा है, छोटू चलाएगा हमारा। क्यों छोटू? देखते हैं वीडियो में कौन दिखेगा बगल में, मेरे बस की बात ना। मैं देख, मैं तो सो रहा हूं, मेरा समय हो गया आउट आउट चलाने वाला। चलो मैं गाड़ी चलाता हूँ। ये अबे इसको लेके जाओ, डस्टबिन डाल के आओ उसे। तो भाई साहब खाना पीना खा लिया, अब हो गए फ्री खाने से। अब भाई अपना आराम से, जिसमें टाइम हो गया 9:15 हो चुके हैं अभी, और अब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से अभी कुछ 507 किलोमीटर दिखा रहा है, ये दिखा नहीं रहा है इस पर फ्लैश की वजह से, 507 किलोमीटर दिखा रहा है, वही 11 घंटे टाइम दिखा रहा है। अब गाड़ी चलाएंगे हम, छोटू हमारा आराम करेगा, वो वाला वैसे हमारे वैसे ही आराम ही कर रहे हैं, आराम ही करेंगे वो। तो चलो भाई, हैवी ड्राइवर है ना, तो बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो भाई साहब ये वाला हाईवे हम उतर गए, पहली वाला एक्सप्रेस उतर गए यहाँ पे हम, और ये वाला जो है पानीपत और अंबाला के लिए यहाँ रोड गया है। अभी तक तो रोड उतरने के बाद तो रोड भाई थोड़ा सा खराब है, अभी आगे मालूम पड़ेगा, बाकी तो अभी उतर ही है, आगे मालूम पड़ेगा रोड भी कैसा है। तो अभी देखते हैं, यह है पानीपत गाजियाबाद से आगे लेफ्ट लेना है, पानीपत सीधा और सीधा ही अंबाला। एक्चुअली वो इसका जो है सर्विस रोड था, अभी इसका ये ऊपर जो मेन हाईवे ये वाला है, तो यहाँ पे हमें चढ़ना है अभी, तो वो तो बेटर है, वो तो बहुत बढ़िया है। चलो अभी चढ़ते हैं पहले इसमें। और भाई ये वाला हाईवे भी काफी बढ़िया है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ चुका है लेकिन बढ़िया है। यहाँ से पानीपत अभी 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर भी लगातार ऐसे ही ट्रैफिक के अंदर हमें जाना है यही तरफ। चलो भाई आगे मिलते हैं, आगे पहुंचते हैं, आगे बात करता हूँ आपसे भी मैं। यार एक चीज तो है, इस वाले हाईवे पर यार जो ढाबे हैं भाई बहुत ही आलीशान, बहुत बढ़िया ढाबे हैं यहाँ पे यार। अभी आगे अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो वॉशरूम यूज करने गए हम लोग दोनों जने, तो अभी वेट कर रहा हूँ उनके यहाँ पे अभी मैं। भाई साहब पानीपत पे आ गए यहाँ पे हम, थोड़ा यहाँ पर क्या है अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, तो थोड़ा डाइवर्जन है यहाँ पर, तो नीचे की तरफ से सर्विस रोड से होते हुए जा रहे हैं यहाँ पे भी, थोड़ा ट्रैफिक भी है, रोड भी थोड़ी खराब है, और अभी इसके बाद करनाल आएगा। तो भाई साहब यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सारी बोतलों में पानी खत्म हो गया है, तो पानी भर लें। एक्चुअली क्या है कि 20 लीटर का पूरा बोतल का वो लेकर के आए हैं, कंटेनर है पूरा, तो उसी से पूरा पानी अपने यहाँ पे बोतल में भरेंगे। तो भाई क्या सीन है भाई, उसको निकाल लो, सारी बोतल निकाल लो, खोली ना आई भर लो। भाई ये पानी भर रहा है यहाँ पे अपना, छोटू हमारा पानी भर रहा है बढ़िया। अरे पानी वाले भैया, अरे भैया पानी वाले भैया पानी पिला दो। अबे पानी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग यार। तो वैसे वॉशरूम यूज करके वापस आ गए अपनी गाड़ी पे, अब यहाँ से निकलते हैं। तो दोनों ही पानी गर्म करवाने गए वहां पर ढाबे पर, वीडियो है। भाई साहब सफर के दौरान चाय चल रही है, चाय बनाई। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी क्या है, अभी स्टोव वगैरह हमने अंदर रखा हुआ है, निकाला नहीं है, क्योंकि अभी सामने ढाबा था, वहां से पानी गर्म करवा लिया है, बाकी अपने टी बैग्स, इसमें चीनी डाल लिया, दूध डाल लिया है अंदर, हो गया काम।
चाय और टेस्ट करते हैं कई चाय बनी, मसाला चाय हमारी क्या बढ़िया होनी चाहिए यार, एकदम बढ़िया मजा आ गया। आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया चाय बनी है, पीजिए देखा मिर्ची ज्यादा हो गई पीना रुक जा। चलो मिलते हैं पीने के बाद। तो भाई पूरा रोड में मजे ले रहे हैं, चाय वाय पी करके आराम से जा रहे हैं यहाँ से। और चक्कर क्या है ना, थोड़ा रुक भी गए हैं क्योंकि हम सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि रात में हम हिल पे जाए, हिल को मैं चाहता हूँ दिन में करना क्योंकि थोड़ा सा वहाँ के व्यू है यार, उसको मिस नहीं करना चाहता मैं। तो इसलिए आराम से चलते हैं अभी यहाँ पे। अभी हमें आधा घंटा हो गया है, थोड़ा टाइम यहाँ पे और रुकते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोड है, गाड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, पता नहीं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। क्या हो गया यार? चाय बनी है यार, चाय बढ़िया बनी है यार। इन दोनों में लड़ाई हो रही है पीछे बैठने के लिए। अबे ओए चल जल्दी आ गया जा। अरे भाई ये लोंडे उड़ दंगी है हमारे साथ में। ओए क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग यार, चलो गाड़ी बैठ बैठ चलो। ओए गाड़ी बैठ जल्दी बैठ, तू भी बैठ गाड़ी के अंदर। मैं नहीं हूँ। अब किसी की आवाज आई, वो पिटा मेरे से। मैं हुई नहीं, मैं हुई नहीं। चलो भाई साहब यहाँ से भी निकल रहे हैं, चाय वगैरह पी ली यहाँ पे अपनी हमने। अब यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी को लेते हैं अपने सर्विस रोड से हाईवे पर, और इनकी काफी मस्ती हो गई यार। नीचे से जाने पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो लग नहीं रहा मेरे को हाईवे पे कनेक्ट हो रहा है। चला मोड़ू क्या गाड़ी, चलो देखते हैं। ट्रक भी तो जा रहे हैं, ट्रक भी तो कनेक्ट होंगे। चलो भाई ये ढाबे यहाँ पे यार बढ़िया वाले, एकदम बहुत ही शानदार तरीके के यहाँ पे ढाबे बने हुए हैं। और अभी 11:30 बज चुका है और गाड़ी का एवरेज देख रहे हैं 20 पे आ गया है, एवरेज 20 पे आने वाला है। और ये दोनों तो जो है सो गए अभी पीछे, और वो सो गया यहाँ के सो गया। और अभी तो भाई काफ़ी किलोमीटर चलना है, अभी तो कुछ 400 किलोमीटर और चलना है, 350 के आसपास हम चल चुके हैं अभी तक। चलो अभी करते हैं, अभी जो अभी चल चुके हैं अभी 382 किलोमीटर चल गए हैं, लगभग लगभग 400 किलोमीटर होने आ गया है। और अभी 400 किलोमीटर और दिखा रहा है तो लगभग लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, 800 से ऊपर ही है। यार इस हाईवे मैंने एक चीज़ देखी यार, लोग यहाँ पर जो है काफ़ी रश ड्राइविंग कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ी निकल रही है अभी, कोई भले ही वो प्राइवेट गाड़ी हो टैक्सी गाड़ी हो, बहुत ही ज़्यादा रश ड्राइविंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा। अपन अपना वही स्पीड लिमिट 80-90 पे चल रहे हैं, 100 पे भी नहीं चला रहा यहाँ पे गाड़ी को मैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है, ट्रक्स वगैरह ट्रक बस और बस गाड़ियाँ जो है। यार आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको परफॉर्मेंस देती है, ठीक है, आप उस गाड़ी को 100 तक की स्पीड पे चलाते भी हो तो आपको 20 का एवरेज भी देती है, जो कि अभी बढ़कर के 20 भी हो गया है और इससे ऊपर भी जा रहा है, 21 तक भी चला जाएगा। मैं गाड़ी ऐसे चलाता रहा था अभी तो। यार आपको और क्या चाहिए किसी गाड़ी के अंदर, परफॉर्मेंस एक नंबर, एवरेज एक नंबर, तो क्या चाहिए आपको यार, बेस्ट है महिंद्रा XUV, थम्स अप है भाई गाड़ी को। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि 420 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं अभी तक, और रात के कुछ 12 बज चुके हैं अभी, और अभी भी यहाँ से 372 किलोमीटर भी है जिसको कवर करने मेरे को कुछ सुबह के 8:30 बज जाएंगे, और मे भी थोड़ा बहुत ऊपर से टाइम और हो जाएगा, 9-10 के आसपास टाइम लगेगा आराम से, क्योंकि थोड़ा सुबह ब्रेक भी लेंगे अपन लोग। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका पार्ट 2 बाद में आएगा, अगले दिन आएगा। तो यह है पार्ट 1 इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको मनाली घूमना है भी, बढ़िया टूर एकदम फन वाला, हम तीनों लोग इस पूरे टूर को बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में पहुंचाइए इसको। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि अब कल आएगा इसी रोड ट्रिप का पार्ट 2। तो इस रोड ट्रिप को यहीं पर ख़त्म करते हैं।